तो भाई ऐसी कुछ पूड़ियाँ बन रही हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि समय के साथ साथ पूड़ियाँ भी अच्छी आने लगेंगी। सेम वही चीज़ हो रही है, पूड़ियाँ जो हैं एकदम ज़बरदस्त निकल रही हैं। आए हाय हाय यार, कुछ नहीं चाहिए सामू, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये सारी पूड़ियाँ, पूड़ियों का माउंटेन बना हुआ है और पूरी के पूरे ये जो बर्तन है पूरा फुल है। साथ में था लिया गाइस, मैं अपने आप को भूल जा रहा था, सात लोग खाने वाले हैं, मुझे लग रहा था छह ही लोग खाने वाले हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को आज खिला रहे हैं ये पूड़ी और छोला, ठीक है। तो अभी हम गाइस टेस्ट करेंगे छोला और पूड़ी। ये रहा छोला और ये रहे पूड़ी, गजब का लग रहा है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 7:30 बज रहे हैं सुबह के, दुकान जाने का समय आ गया है। पहले चलते हैं शॉप पे, फिर वहाँ पे आप लोगों से बात करते हैं। फिलहाल मैं फ्रेश हो चुका हूँ, निकलते हैं बस अभी फटाफट, ठीक है। धूप काफ़ी तेज़ है बहुत। ये भी हो सकता है कि अभी मैं एसी से बाहर निकला हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे ही हम एसी में रहते हैं एसी से बाहर आते हैं क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, और जैसे ही हम बाहर आते हैं टेम्परेचर जस्ट अलग हो जाता है। उसके हिसाब से फिर अब गर्मी तो लगना लाजमी है। और बाहर ये जो आउट फैन लगे होते हैं ना एसी के कंप्रेसर, इनसे तो भाई साहब आग निकलती आग। कुछ यूँ सीन है बाहर का, ये देखो गाइस, और धूप है बहुत ज़्यादा। अपने को तो बस छाँव छाँव जाना है, जल्दी जल्दी फटाफट निकलना है दुकान खोलने। आज थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ, तो ही आ चुके हैं दुकान पे और दुकान को फटाफट अनलॉक करते हैं। यार एक प्रॉब्लम रात में हो गई थी, हमारे जो फ्रीज़र है ना वो बंद हो गया था। सो गाइस दुकान ओपन कर लिया है, लेकिन एक बैड न्यूज़ है, हमारा ये जो फ्रीज़र है बड़ा वाला, ये वाला फ्रीज़र, ये ख़राब हो चुका है। और ये अभी जैसे मैं सुबह आया तो ये पूरी तरीके से बंद था। इसकी सारी जो भी सामान थी वो मैंने दूसरे फ्रीज़र में शिफ्ट कर दिया है। और अभी फ़िलहाल नाश्ता करने का टाइम आया है और जमाल ने कुछ नाश्ते में स्पेशली फ्रूट्स वगैरह काटे हैं जो कि खाने योग्य हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। कितने ऑरेंज जमाल काटे हैं? 6 पीस ऑरेंज काटे, 6 पीस काटे ओम फो। और एप्पल? 3 एप्पल काटे हैं गाइस। तो इतना सारा सामान है खाने का और ये दोनों भाई मिल के खाएँगे, इधर ही से खा लेते, उधर सारा कंजेस्टेड है। ये रहा गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जन्माष्टमी का दिन है और पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं सुबह दुकान पे गया था, दुकान से वापस आया, और वैसे हमारा आज फास्ट भी था ऊपर वाले के कृपा से, तो आज फास्ट भी हो गया, पूरा दिन लगभग निकल गया। 8 बज रहे हैं अभी, 8:04, 12 यानी 4 घंटे भी और हैं, उसके बाद ही जो होगा सो होगा। तो व्लॉग की स्टार्टिंग अभी से इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो कुछ है दिखाने वाला वो अभी है, पूरा दिन तो कुछ था ही नहीं। सुबह मैं दुकान पे गया, वहाँ से डायरेक्ट वापस आया, ऐसा ही था बस, और कहीं मेरा बाहर जाना भी नहीं हुआ। तो अभी रूम पर ही हैं और अभी निकलेंगे थोड़ा सा मार्केट की तरफ, सामान वगैरह कुछ खरीदना होगा वो भी, साथ ही साथ क्या बनेगा शाम को ये केवल सीक्रेट है, हो सकता है कि जल्दी पता चल जाए क्योंकि अभी हम भाई से बात नहीं कर पाए हैं, तो जैसे ही भाई से बात करेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा कि क्या बनेगा। बस ये चीज़ तो कन्फर्म है कि कुछ आज पूरी पकवान टाइप का बनेगा, पूरी बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि दरअसल गाइस होता क्या है ना कि जब हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, तो चाहते हैं कि कम समय में जो खाना बन जाए बस वही ठीक है, ठीक है। तो इसलिए पूड़ी वगैरह थोड़ा अवॉइड करते हैं बनाने में क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो अभी फिलहाल निकलते हैं नीचे के लिए और मिलते हैं आपसे। ब्लॉग को कंटिन्यू देखो, आज ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है, फुल वेजिटेरियन ब्लॉग होगा, जो भी बनेगा आज अच्छे से बनेगा, सारी चीज़ें बनेंगी, आपको दिखाएंगे क्या क्या हम लोग बनाएंगे, क्या क्या खाएंगे, और साथ साथ आप लोग भी देख सकते हो, जो लोग यहाँ पे यूएई में रहते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो मंदिर जा सके, लेकिन फिर भी जिसके मन में है श्रद्धा है तो हर जगह है और नहीं तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो वो सुपर वाले का नाम लेके आज का व्लॉग शुरू करते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रात के बज रहे हैं 1 और अभी मैं जा रहा हूँ बंद करने दुकान और सारा सामान ले लिया है। और मैं आपको बता दूँ इंटरेस्टिंग चीज़, रूम में आज खाने में बन रहा है पक्का खाना, पक्का इन द सेंस है कि जैसे कि पूड़ी वगैरह होता है, क्योंकि अभी मैंने रूम पर आटा भी भिजवाया है जो कि भाई लेके गए हैं,
और बाकी सामान जो है सुपरमार्केट से खरीद लिया गया था, उस समय मैं वहाँ पे था नहीं, जिसकी वजह से मैंने वो व्लॉग शूट नहीं किया। तो डायरेक्ट चलते हैं रूम पे और दिखाते हैं आपको कि रूम में रूम का भी क्या माहौल है। मैक्सिमम लोग जो हैं फास्ट नहीं थे, मैं था, मुझे नहीं पता और कौन कौन था, वो चल के पता चलेगा, कोई हो या ना हो, लेकिन आज के डेट में सारे लोग पक्का खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, पक्का खाना आज खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं आज। और उसमें से शायद छोले भी हैं, और यानी छोला जिसको बोलते हैं छोला, और भी दिखाते हैं आगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, उसी में उधर सारा सामान लेके खड़ा है, अब हमको चलना है, दुकान को क्लोज करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं डायरेक्ट घर की ओर। तो चलो चलते हैं, सब ले लियो ना। ऐसी कुछ टैक्सियाँ होती हैं दुबई में, आप देख रहे हो ये जो जा रही है, ऊपर येलो कलर का लाइट होती है, अगर उसमें बंदा रहता है तो रेड हो जाती है, नहीं तो येलो ही रहती है। आप में से बहुत से लोग काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लोग निगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो वैसे मुझे निगेटिव कमेंट से उतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जहाँ पर अच्छा होगा वहाँ पर बुरा भी होगा, क्योंकि ना ही मैं परफेक्ट हूँ और ना ही दुनिया इस पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट हो सकता है। तो अपना मैं बेस्ट दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने के लिए। अब कितना हो सकता है वो तो वक्त ही बताएगा, और आगे चल के मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता रहूँगा डेली डेली। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को एक अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। बस अभी करेंट टाइम की ये सिचुएशन है कि मुझे बस स्टार्ट करना था, ठीक है, स्टार्ट करना था, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ सोच सोच के ऐसा होता था यार कब करूँगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जैसे तैसे टूटा फूटा जो भी कंटेंट बना रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग उसे पसंद कर रहे हो, तो यार ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग उसे पसंद कर रहे हो। कुछ ही लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन पसंद कर रहे हो। तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों को दूँ, ताकि आप लोग और पसंद करो, ठीक है। अरे तो थोड़ा टाइम लगेगा कि तुरंत बनाने जा रहा हूँ? तुरंत क्या बनेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनाने। मैं फाइनली रूम पे, और रूम में डायरेक्ट आए हैं, पहले हाथ में धुला, उसके बाद डायरेक्ट आ गए हैं किचन में। डेली के जैसे ये रहा अपना लंबरदार और ये रहे अपने शामू, दोनों लोग जान दोनों भिड़े पड़े हैं। और ये जा चुका है इसमें फिर लहसुन और ये मिर्ची और तेल पक रहा है। अभी हमको पता नहीं सर क्या बना रहे हो, सर क्या बना रहे हो बताओ? आज बनेगा छोले और पूड़ी। अच्छा पूड़ी भी बन रही है? अच्छा छोला पूड़ी बनाओगे आज हैं। सो गाइस, आप लोग रोज़ रोज़ कहते थे कि यार डेली डेली बाहर से खूब खाते हो, ये आज देसी खाना बनने जा रहा है और ये बनेंगी आज पूड़ियाँ। तो ये हो गया पूरा का पूरा आटा है ना इसमें कि मैदा है? आटा है, मैदा भी मिक्स है क्या इसमें? नहीं भाई, पूरा आटा ना प्योर। और ये जाएगा इसमें तेल, क्योंकि इसका मोवा लगेगा बराबर। भाई क्या हाल है? भैया जाने दो भाई, साहब आ रहे, दूर चलो, इधर आओ, अंदर आओ, थोड़ा साइड दो, दिन वाले ही मिस कर रहा हूं, इधर आओ, अंदर आओ, गले मिलो जाके जाओ यार, ये क्या काफी दिन बाद है, अंदर आओ ना, लग लो भाई, क्या कहता ना, ये भी अंदर है, ये कौन सा वाला अंदर सा, अंदर सबको ही है, यही लग लो, प्राइवेट बात भी होती है। डर का कौन ये बता रहा है भाई। छोला बनने की तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हो ग्रेवी पूरी तरीके से टनटनन रेडी है, और अभी इसमें मसाला बनने जा रहा है, क्या बात है, ग्रेवी में कोई कमी नहीं है गाइस, पक चुका है। ये रही हमारी देसी लोहड़ी, अभी इसमें बनेंगी पूड़ियाँ, गर्मा गर्म निकलेंगी। ये इधर आटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इधर लोहड़ी भी गर्म हो रही है, इसमें अभी तेल पड़ने के बाद पूड़ी बनेंगी जबरदस्त करारी। दोस्तों ये हमारा छोला है, और छोला अभी उबल के रेडी हो चुका है पूरी तरीके से, देख लो पक गया है, और ये देखो छोले में कोई कमी नहीं बची है, छोला पक गया है। कर रहा है ये सब्जी, यानी कि इसकी ग्रेवी, इसका मटेरियल लुई इनको बोलते हैं, क्या बात है, क्या बात है, छोला और पूड़ी का जो है प्रबंध किए हैं, क्योंकि आज ये खाना बहुत ज़रूरी था, और आज दिन भी बहुत अच्छा था, हमने सोचा यार कभी कभी तो ऐसा दिन आता है, थोड़ा सा लेट ही सही सोएंगे,
इसके वजह से आज छोला जो है बनाने का पूरा प्रोग्राम किया गया है। भाई सारे लोग अभी लेटे हैं, जब्बार भाई इधर लेटे हैं, शिवम उधर लेटा है, जब्बार भाई इधर लेटे हैं, वकार भाई उधर लेटे हैं, शिवम उधर लेटा है, लंबड़ उधर लेटा है और भाई उधर लेटे हैं। चावल ऑलरेडी पक चुके हैं और हम और शिवम किचन के अंदर हैं और बना रहे हैं इधर पूड़ी। ये पर चढ़ चुकी है कढ़ाई, उधर हो चुका है लोई रेडी। क्या बात है जी, क्या बात है, फर्स्ट क्लास। तो गाइस अभी ये इसमें पूड़ियाँ निकल रही है, ये फर्स्ट पूड़ी है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है ना, क्योंकि अभी ये एडजस्ट नहीं हुआ है पूरी तरीके से जैसे ही। और ये गाइस हमने ये हमारे पास व्यवस्था सारी है, आप पीड़ा भी देख सकते हो, बेलना भी देख सकते हो, कढ़ाई भी है, सारे कुछ हम लोग लेके रखते हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से डेली हम लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, कभी कभी करते हैं। तो आज हम लोग यही हमने सोचा कि यार चलो आज बनाते हैं जो कि अच्छा खाना, छोला और पूड़ी, और चावल वहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और ये पूड़ियाँ जो हैं अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बेलते जाएंगे पूड़ियाँ अच्छी निकलती जाएंगी। जैसा कि हम कह रहे थे कि अभी एडजस्ट नहीं हुआ, तो अभी ये एडजस्ट हो चुका है, पीड़ा भी और बेलना भी। अभी देख रहे हो कितनी टाप की पूड़ी आ रही हैं, और पूड़ियाँ आज ऐसी ही पूड़ियाँ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस तेल हो चुका है, आय हाय 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 आय हाय हाय, क्या बात है, जबरदस्त है, आय हाय हाय आय हाय 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 हाय। इधर पानी ठंडा हो गया वो था उसी का। तो गाइस ये कुछ अभी पहली पूड़ी बनके तैयार हुई है, और समय के साथ साथ जैसे पूड़ी वो गोली आई थी वैसे पूड़ी अच्छी भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जबर भाई देखो जरा पूड़ी कैसी है, ऐसी पूरी सारी निकल जाए, ठीक है, पकी हुई है। देखो तोड़ तोड़ के तोड़ के देखो पकी कि नहीं पकी, इसका लुक ही बता रहा है, अच्छी है ना, ऐसी बनवा ले, बिल्कुल सही दादा, देखो ठीक है, ऐसी बनवा ले। ये बना था किसी का होते हैं, ये बना था उससे, हाँ सही है ना, ठीक है। हाँ सर ठीक है, दादा ने भी चेक किया और जब्बार भाई ने भी चेक किया, अब जा रहे हैं हम चेक करने, ठीक है। सेब देखो पूड़ी का, आधी दादा ने ले ली है और अभी मैं खाऊंगा। वाह वाह वाह, तो भाई ऐसी कुछ पूड़ियाँ बन रही हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि समय के साथ साथ पूड़ियाँ अभी अच्छी आने लगेंगी, सेम वही चीज हो रही है। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और लगभग लगभग आधी पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, तेल अभी कढ़ाई में है, बाकी भी बची हुई पूड़ियाँ सेम फिर से बेल रहे हैं, तो अब ये बची हुई पूड़ियाँ भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट खाना खाने। बहुत तेज से भूख लगी थी, आज मेरा पूरा दिन से फास्ट था, तो फिलहाल फास्ट तो हमने तोड़ लिया है, लेकिन अभी खाना जो है प्रॉपर खाना वो भी खाना बचा हुआ है, जो कि सबसे बेस्ट खाना बन रहा है, छोला और पूड़ी। भाई छोला अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये देखो, आए हाय हाय यार, कुछ नहीं चाहिए सामू, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम जबरदस्त है। जरा मैं से एक किस्म से फूल नहीं, पूरी खा लो, कुछ तो खाना पड़ेगा ना जबर भाई। दोस्तों ये सारी पूड़ियाँ, पूड़ियों का माउंटेन बना हुआ है और पूरी के पूरा ये जो बर्तन है पूरा फुल है, और ये रहा चावल, अभी इसमें क्या है, अच्छा ये दोपहर का चावल है, ये रहा छोला, हर एक थाली में जाएगा आराम से, प्लेट और निकालूंगी तीन तीन छह। तो भाई छह लोग खाने वाले हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पीछे हमारे, पांच लोग, एक आदमी अंदर है, एक कौन बढ़ रहा है, फिर सात होनी चाहिए ना थाली, हैं सात थालियाँ, सात हैं थालियाँ भाई, एक
मैं अपने आप को भूल जा रहा था, 7 लोग खाने वाले, मुझे लग रहा था 6 लोग खाने वाले। ले दो बूढ़ियों का बंटवारा करो जरा, यहाँ वही थली है। एड़ा एड़ा नहीं होता, खाओ खाओ आराम से खाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से खाओ। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को आज खिला रहे हैं ये पूड़ी और छोला, ठीक है। वगार भाई मस्त, हम सब मस्त है। पूड़ी कैसा है? पूड़ी तो बड़ा नहीं है वो, किधर अच्छा इससे पूरी सुबह का नाश्ता करते हो? होता है अमर बढ़ो, तुम नहीं हो, नंबर नहीं आता तो खाने का मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। आ बेटा जल्दी आ जाओगे भाई, आगे रख के पे लेंगे। नहीं खाएगा बता रहा, तुम ही ने बनाया। धनिया है? खाए वो धनिया, धनिया है धनिया रह गई डालने के लिए, चलो कोई बात नहीं, सब लोग खा के चेक करो। तो अभी हम गाइस टेस्ट करेंगे छोला और पूड़ी। ये रहा छोला और ये रहे पूड़ी, गजब का लग रहा है। क्या बात, कोई नाराजगी है क्या भैया? पता नहीं यार, ऐसे मुझसे नाराजगी बना के बैठा, मैंने प्लाई भी नहीं किया था, केला भी नहीं किसी पूरी का, ऐसे नाराज हो गया। देखो देखो लटक रहा पूरी से। ओ आहे जस लो बेटा, अमर सामू कितने दिन बाद खा रहे हो छोला पूरी? छोला पूरी दिवाली नहीं बनी, दिवाली बनी थी, दिवाली भी बनी थी। शिवम रात को क्यों नहीं? अच्छा है, जबरदस्त जन्माष्टमी सफल। बताओ टेस्ट कैसा? बढ़िया है, जबरदस्त है, बढ़िया अच्छा लगा। आप बताओ जब्बर भाई, बहुत मजा आया, अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। पूड़ी अच्छी है, खुश है ना? हाँ, पूड़ी भी बहुत अच्छी है। अच्छी है ना भाई? इतने हाँ। असली छोला है, डिब्बा वाला थोड़ा ना है, स्वाद बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो भाई जल्दी जल्दी खा लेते, नहीं पूड़ियाँ जाएंगी पूड़ियाँ सुखा जाएंगी, खाने में मजा आएगा नहीं, टेस्ट हो जाएगा खराब। तो आपको मैंने दिखा दिया, लगभग पूड़ियाँ खत्म होने वाली है, तो जल्दी जल्दी खत्म करें, नहीं तो हमको भी अगली पूड़ी मिलेगी नहीं, फिर सब लोग खा लेंगे अपनी अपनी अलग अलग से, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा तो हम भी दो मिली हैं, तो अभी कम से कम 3-4 तो खानी खानी है, तो अभी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं। परफ्यूम वो नहीं है जो आप को स्मेल आ रही, दूसरी परफ्यूम है। कहाँ से लाया? ओरेक्स इस तरह के परफ्यूम? वो नहीं, मैं दूसरी स्प्रे। यार एक बार आप लाए थे कोई, वो हैंड वॉश करने वाला था, हैंड वॉश करने वाला, यार ऐसी खुशबू आती थी उसमें जब मैं जाने वाला था, बिल्कुल नहीं नहीं जाने से 2 महीने पहले। सैनिटाइजर? नहीं नहीं नहीं, हैंड वॉश करने वाला यार कोई लिक्विड था, मैं कभी नहीं लाई हुई यार, शैम्पू था वो, जब बार ऊपर गुलाब की पिक्चर भी लगी हुई थी, इतनी बड़ी शीशी थी वो। इसको लेके जा रहा हूँ कबूतर दिखा के ना। ठीक ठीक ठीक। नहीं मेरे पास 3-4 कलर के हैं, लाल है और पंखा चालू कर दो भाई, बता के जा ना, पंखा चालू करो भाई, बंद कर दो लाइट।